पीपल एंड हिस्ट्री के लेटेस्ट बायोग्राफी अलर्ट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। शाम बेटे, आइए ठाकुर साहब, आइए, जीती रहो बेटी। ये दास्तां है भारतीय सिनेमा के उस कलाकार की जिसने मूक फिल्मों से शुरुआत की और आगे जाकर बन गया ये सभी का चहेता, नाम पी जयराज, यानी कि पैदी जयराज। हालांकि हिंदी फिल्मों में ये सिर्फ जयराज के नाम से ही बड़े मकबूल हुए। जी, दंगुरा के इकबाल से, मार्तने नंदीपुर के लोगों से 200 बोरी अनाज, 400 भेड़े और 5 मन चांदी जब्त की। इनका जन्म हुआ 28 सितंबर सन 1909 में, जगह करीमनगर, हैदराबाद स्टेट, जो कि अब तेलंगाना है। जयराज साहब की पढ़ाई लिखाई ऋषि वैली स्कूल में हुई। आगे जाकर ये निजाम कॉलेज में दाखिल हो गए, जहाँ पर ये अक्सर शेक्सपियर के नाटकों का हिस्सा हुआ करते थे। ये दरअसल एक बहुत ही समृद्ध परिवार से ताल्लुक रखते थे। इनके मामा का विवाह हुआ था सरोजनी नायडू जी से। इनके पिताजी एक बहुत बड़े सरकारी ओहदे पर थे, पर जयराज साहब तकरीबन 19 बरस के ही रहे होंगे तब तक इनके माताजी और पिताजी दोनों का ही देहांत हो गया। जयराज साहब बहुत ही मायूस थे, मन किया कि मुंबई शहर जाकर बसेंगे। इतना ही नहीं बल्कि वहां रहने के लिए चला गया है। ये भी ठान लिया था कि ये रॉयल नेवी का हिस्सा बनेंगे, लेकिन तब तक इनकी उम्र निकल चुकी थी। इनके पड़ोस में कुछ लोग फिल्म लाइन से जुड़े हुए थे। उन लोगों ने इन्हें सलाह दी कि तुम्हारा डील डॉल बहुत अच्छा है, क्यों नहीं तुम फिल्मों में काम करो। जयराज साहब का कद तकरीबन 6 फीट का था। ये बॉडी डबल की तरह काम करते थे। फिल्म कंपनी का नाम रहा शारदा। हमने हर मुमकिन कोशिश की, पर जयराज साहब की दिलचस्पी फिल्म बनाने के हर आयाम की तरफ थी, चाहे वो कैमरा रहा कि एडिटिंग। इनकी शुरुआती दौर की फिल्में रहीं जगमगाती जवानी। शुरू में तो ये हीरो के दोस्त का ही रोल करते थे, पर धीरे धीरे ये खुद भी हीरो बन गए। जानता हूं गंगूरा। इन्होंने तकरीबन 11 मूक फिल्मों में काम किया, और जब पहली टॉकी फिल्म आलमारा आई, उसके बाद जयराज साहब भी नजर आए फिल्म शिकारी में। चूंकि ये हैदराबाद से ताल्लुक रखते थे तो ये बहुत ही शायस्ता जुबान बोला करते थे। उर्दू पर इनकी पकड़ बड़ी मजबूत थी। लेकिन ये वो दौर था जब हीरो अपने गाने भी गाया करता था। जयराज साहब के लिए बहुत कठिन था कि वो गाने गाए, लेकिन इन्होंने अपनी एक्शन इमेज का सहारा लिया और एक बड़े जबरदस्त हीरो बनके उभरे। अगर जान प्यारी है तो हमें दुश्मनों की खबरें बताओ, बताओ तुम्हारे पास कितनी ताकत है। फिल्में आईं राइफल गर्ल, भाभी, पन्ना। 50 के दहाई और 60 की दहाई में जयराज साहब ने बड़े जबरदस्त किरदार निभाए। इन्होंने चंद्रशेखर आजाद का किरदार भी निभाया था, तो अमर सिंह राठौर का और पृथ्वीराज चौहान का भी। राणा प्रताप भी ये बने तो शहीद भगत सिंह का किरदार भी इन्होंने निभाया, और टीपू सुल्तान का भी। खामोश! इस बदतमीज को जंजीरों में जकड़ कर यहाँ से घसीटते हुए ले चलो। इन्होंने तकरीबन 200 फिल्मों में काम किया, और एक से बढ़कर एक हीरोइन इनके साथ थी, चाहे वो देविका रानी रही कि खुर्शीद, निगार सुल्ताना रही कि नादिरा, शकीला रही कि दुर्गा खोटे, निरुपा रॉय रही कि निम्मी, सुरैया, मधुबाला और मीना कुमारी। जयराज साहब में एक खूबी और थी, ये दरअसल बहुत ही जबरदस्त घुड़सवार थे। इन्होंने एक किसिंग सीन भी किया था। इनकी हीरोइन रही थी जगमगाती जवानी में माधुरी उनके साथ। धीरे धीरे ये फिल्मों में बतौर चरित्र अभिनेता काम करने लगे। इन्होंने एक फिल्म प्रोड्यूस करी और डायरेक्ट भी करी, जिसने इन्हें बहुत बुरा झटका दिया। मैं तुम्हें मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। फिल्म का नाम रहा सागर, जिसमें नरगिस और भारत भूषण थे, और इस प्रोडक्शन में जयराज साहब ने अपनी सारी जमा पूंजी खो दी। क्या बताऊं बेटा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। और उसके बाद इन्हें दोबारा अभिनय करना पड़ा, और जो खोया था उसे वापस पा लिया। इन्होंने फिल्में डायरेक्ट करी, इन्होंने टेलीविजन सीरियल्स भी डायरेक्ट करे। पृथ्वीराज कपूर साहब के परिवार के साथ इनकी बड़ी गहरी दोस्ती थी। पृथ्वीराज कपूर के साथ मिलकर इन्होंने सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन की नींव रखी। जयराज साहब को दादा साहब फाल्के अवार्ड से भी नवाजा गया। कमाल की बात यह है कि ये रहे तेलुगु भाषी, पर इन्होंने हिंदी, गुजराती, मराठी फिल्मों में काम किया, पर तेलुगु फिल्म में नहीं। पृथ्वीराज कपूर के वालिद ने ही जयराज साहब की शादी पक्की करवाई थी दिल्ली की एक पंजाबी लड़की के साथ। इस शादी से इन्हें 2 बेटे हुए और 4 बेटियां। अपने एक बेटे से ये बहुत परेशान भी रहे बुढ़ापे में। अब तुम ही बताओ बेटा, मैं क्या करूं। इन्हें कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा था कि इनका बेटा अपने परिवार के साथ इनका घर छोड़ दे। अपने पिता के
इस दोस्त को माफ कर दो बेटा, माफ कर दो। मूक फिल्मों से लेकर कलर्ड फिल्म्स तक जयराज साहब ने अपने हुनर का लोहा मनवाया और 11 अगस्त सन 2000 में 91 साल की उम्र में इनका देहांत हो गया। भारतीय सिनेमा का इतिहास जब भी एक सिरे से लिखा जाएगा तो पहली फेहरिस्त में जयराज साहब का नाम शामिल होगा। बकवास बंद करो, साफ बताओ तुम्हारे पास कितने सिपाही हैं? महान प्रतिभाओं के जीवन के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें People and History।